हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए, जो मैंने बेड है इसमें मैंने फोल्डिंग अटैच कर रखा है और बैलेंस करने के लिए मैंने फोल्डिंग के नीचे ईंट लगा रखी है, जिससे ये बहुत किंग बेड की तरह चौड़ाई में हो गया है। और यहाँ कर दिया है मैंने बेड की चादर चेंज। और ये देखिए कितना सुंदर मेरा बेड लग रहा है। एक हाउसवाइफ के लिए घर का काम करना ही नहीं होता है, सामान को इधर उधर फिक्स करना भी उसका टैलेंट रहता है। तो वो देखती है कि इस सामान को कहाँ रखा जाए जिससे कि ये और भी सुंदर लगे। तो अपने घर को सजाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है और वो अपने घर में ही खुश रहती है। हाउसवाइफ को कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। और मैं आज आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, किचन की टाइल्स वगैरह जब गंदी हो जाती हैं, उसे साफ़ करने के लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो ये मैंने हैंगी ख़राब लिया है, जैसे कि मैं अपनी टाइल्स वगैरह ही साफ़ करती हूँ। तो हैंगी को मैंने, जो हमारा किचन का वाइपर होता है, उसमें मैंने अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। और इसमें एक हम रबड़ बैंड लगा लेंगे। तो ये मैंने पेपर वाली रबड़ बैंड ली है, इसे हम अच्छी तरह से इसमें फिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो कपड़ा है इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो ये मैंने किचन की जो टाइल्स वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, वही मैंने कपड़ा लिया है। अब हम इससे अच्छी तरह से टाइल्स साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, जो धूल मिट्टी या चिकनाई टाइल्स पर जम जाती है, वो बहुत ही आसानी से इससे क्लीन हो जाएगी। और आप इसे पानी में बार बार धोकर भी, वॉश करके भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये टिप्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे ये टिप्स शेयर करती हूँ। तो बहुत ही अच्छी ये टिप्स है, आप भी एक बार ट्राई करके देखना। तो ये ना टाइल्स इससे बहुत अच्छी क्लीन हुई थी, एक बार में ही सारी टाइल्स साफ हो गई थी। खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद गैस भी नीचे से बहुत गंदी हो जाती है, कभी कभी चिकनाई भी, चाय भी इसके नीचे निकल जाती है। उसे साफ़ करते हैं तो हमारे हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो ये जो मैंने टूल बनाया है, इसे हम बहुत आसानी से गैस नीचे से भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो इसके नीचे मैं ये चकला और जो तवा होता है हमेशा से छुपा के रखती हूँ। तो इस तरह से ही मैं इसके नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि हमारी जो मम्मी थी वो इस तरह से ही रखती थी, तो हमें वही आदत पड़ी हुई है। Thank you.
मशीन में हैंड वॉश वाले कपड़े कैसे वॉश करते हैं आज मैं वही आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखिए जो मेरे हैंड वॉश वाले कपड़े थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, कुछ मैंने निकाल लिए हैं और मैं इसमें से देख रही थी क्योंकि जो हैंड वॉश वाले कपड़े होते हैं उन्हें मैं अलग निकाल लेती हूँ और मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं हाथ से नहीं वॉश कर रही हूँ, मैं मशीन में ही वॉश कर रही हूँ। तो जो टी शर्ट वगैरह होती हैं वो हैंड वॉश वाली ही होती हैं, तो पहले मैंने वो मशीन में डाल दी थी। जो मेरी मशीन है फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें ना कपड़े धुलने के बाद ही सारे निकलते हैं, तो फिर मैंने वॉश करने वाली ही लगा रखी थी तो मैं इसमें सारे सिंपल सिंपल जो कपड़े होते हैं वो वॉश कर रही थी। और ये इसमें मैंने शैम्पू के जो पाउच होते हैं इनमें थोड़ा बहुत शैम्पू भी रह जाता है वो भी मैं मशीन में डाल देती हूँ, जिसमें से जो शैम्पू होगा वो इसमें कपड़े वॉश करने में साथ ही साथ निकल जाएगा और ये पाउच बाद में निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने घर के सारे काम फिनिश करती हूँ, कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं फेंकती हूँ। तो ये देखिए इनका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ और इनमें जो थोड़ा बहुत शैम्पू होता है वो भी कपड़ों में धुलाई के साथ निकल जाता है। तो ये मेरे जो हैंड वॉश वाले कपड़े थे अब वो मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं इन्हें अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लूँगी। तो क्लीनिंग वाला जो मेरा काम था वो मेरा सारा फिनिश हो चुका है। अब मैं नहाने के बाद अपने कान्हा जी को नहला रही हूँ, क्योंकि मैं नहाने से पहले अपने कान्हा जी को नहीं नहलाती हूँ। कान्हा जी को नहलाने के लिए दो मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं और ये मैंने सदाबहार के फूल लिए हैं, इनसे मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। ये मेरे कान्हा जी ना बहुत ही शरारती हैं, छोटे वाले कान्हा जी। आज मैं आपको आलू राजमा की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ वही किचन टिप्स आपसे शेयर करूँगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने ये राजमा के साथ तीन आलू बॉईल कर लिए हैं और ये मैंने तीन ही टमाटर लिए हैं क्योंकि टमाटर काफ़ी महंगे हो चुके हैं और मैं जो पेस्ट बनाती हूँ टमाटर का ही बनाती हूँ और हमारे घर में वैसे कोई प्याज भी नहीं खाता है। और जैसे हम टमाटर के लिए मैं सब्ज़ी बनाते हैं तो कान्हा जी का भी बहुत ही अच्छी तरह से लग जाता है, जो खाते हैं वही हम अपने कान्हा जी को खिलाते हैं। Thank you.
और ये देखिए मेरा ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का वो मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर का पेस्ट जब तक ये ऑयल ना छोड़े जब तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। और मैंने इसके साथ 3 हरी मिर्च जो होती हैं वो कट कर ली हैं, क्योंकि हरी मिर्च हमारे यहाँ ज़्यादा खाते हैं। उसके साथ मैंने ये जो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारा मिक्स कर दिया है। जो अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकती हो। उसके साथ ये नमक स्वाद के अनुसार मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखिए मैंने जो इसमें पेस्ट डाला था उसने ऑयल को छोड़ दिया है। स्वाद के अनुसार मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। जो मैंने आलू को बॉईल किया था अब मैं इसे अच्छी तरह से मैथ लूँगी और फिर इसे मैं सब्जी में मिक्स कर दूँगी। तो जो आलू का जो टेस्ट होता है राजमा के अंदर बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप भी इस तरह से बनाकर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारे घर में तो सभी को ये वाली सब्जी ना बहुत पसंद आती है। बॉईल किए हुए आलू में मैंने पहले पानी मिक्स किया था, फिर मैंने इसे सब्जी में मिक्स कर दिया है। और जो राजमा होता है मैं अब इसमें राजमा को डाल दूंगी और थोड़ी देर मैं इसे पकाऊंगी। ये देखिए मेरा जो राजमा है काफ़ी अच्छी तरह गल चुका है। और हमें ये सब्जी ना थोड़ी देर ही गैस पर पकानी होती है और बहुत जल्दी ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो जल्दी आप सब्जी बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार आप जल्दी भी सब्जी बना सकते हो। बहुत जल्दी ये सब्जी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।